नोडल अथॉरिटी से। जय हिंद, भारत माता की जय, किसान एकता जिंदाबाद। एक महीने से ऊपर हो गया नोएडा अथॉरिटी और सरकार के कान पर जूनी रेंग रही, किसान वहां पर डटा हुआ है, लेकिन जो दस सूत्री हमारी मुख्य मांगे हैं उनमें से हमारी तीन चार मांगे बहुत मुख्य हैं, उनको भी ये सरकार नहीं समझ रही है, अथॉरिटी नहीं मान रही है। कोई ज्ञापन वगैरह आपकी तरफ से? ज्ञापन वगैरह भी किया है, सारी चीजें की हैं, अनुरोध किया है और कानून के दायरे में किया है, कई बार विनम्र निवेदन किया है, सीईओ से किया है मीटिंग कई बार। मुख्य क्या मांगे हैं ऐसी आपने? देखिए 1987 से 1997 तक का और तक का जो किसानों के किसान कोटे के प्लॉट हैं और जो मुआवजा है उचित, वो अभी तक पूरा हुआ नहीं है। नौकरी की बात तो सेकंड की है, तो हमारा विशेष बल उसी पर है कि कम से कम तीन सूत्री मांगों को तो हमारी को माना जाए। क्या कहते हैं प्रशासन? प्रशासन क्या करेंगे देखेंगे, कर रहे हैं ये नहीं वो नहीं, सारी चीजें उस तरीके से हो रही है। किसान यूनियन हमारा समर्थन कर रही है, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक और अन्य दल भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे भाई बंधु वहां बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद किसान की बात को नहीं सुना जा रहा। मैं फिर आखिरी बार अनुरोध करूंगा अथॉरिटी से और सरकार से कि इसमें दखलंदाजी के दे और इन मांगों को हमारी को माना जाए, अगला माना जाए। और ये जो अभी किसानों का बारिश की वजह से नुकसान हुआ है, राज्य सरकार उनको भी उचित अविलंब मुआवजा देने की कृपा करे। खाली बातों से कुछ नहीं होता, कुछ काम करने से ही होते हैं, उनका अनुभव किया जाए। और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से मुझे उम्मीद है कि वो इसमें कुछ ना कुछ करके अवश्य दिखाएंगे। जय हिंद भारत माता।